सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गेम फ्रेम के चैनल में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने लगा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपग्रेडेबल स्किन के बारे में। साथ में गाइस, यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर गाइस जो न्यू बंडल्स आने वाले हैं, न्यू आपको हेयर्स देखने को मिलने वाले, न्यू स्कार्फ की स्किन देखने को मिलने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में गाइस, यहाँ पर जो न्यू अपकमिंग इवेंट्स आने वाले उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चैनल में पहली बार आए मेरे भाई, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आज के गिवे के विनर्स अनाउंस कर देते हैं। तो आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारे आज के गिवे के विनर्स। और आप सभी गिवे में कैसे ज्वाइन हो सकते हो, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी, बहुत नॉर्मल सी स्टेप से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और साथ में मेरे भाई, यहां पर हम आपको बताने वाले आप सभी की आईडी में हम रेयर आइटम कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हम हर हफ्ते में सिर्फ एक आईडी लेते हैं, एक सब्सक्राइबर का अकाउंट लेते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। तो गाइस, अभी यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इवेंट के बारे में, जो कि गाइस यहां पर आप सभी को न्यू जो कॉस्ट्यूम देखने को मिलने वाला, जो कि हमारा पुराना कॉस्ट्यूम है, इसी का जो न्यू कलर है गाइस यहां पर लॉन्च हो चुका है। और दोनों ही बहुत ही ओपी कलर है। पहले वाला जो कलर था गाइस, वो यार मतलब बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन यार ये जो न्यू वाला है ना, बहुत ज्यादा अद्भुत और यूनिक लग रहा है। क्योंकि गाइस यार मतलब पहले मतलब इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत से बंदे सोचते थे काश ये मेरे पास होता, लेकिन अभी यहां पर बहुत से बंदों के पास ये वाला कॉस्ट्यूम है। लेकिन इसका जो ऑरेंज कलर का कॉस्ट्यूम आने वाला है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है हर बंडल पे जचने वाला है, हर बंडल पे अच्छा लगेगा। तो आप सभी को ये कॉस्ट्यूम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी इसका आप सभी को मैं मेल और फीमेल दोनों दिखा देता हूं, तो दोनों ही गाइस देख सकते हो कितना ज्यादा गजब के लग रहे हैं। और साथ में इनकी पैंट गाइस देखो, वो बिल्कुल जेल वाली फीलिंग देती है, मतलब जो जेल में जो व्हाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, उसी तरीके से यहां पर स्ट्रिप दे रखी है। और ये मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। और यहां पर गरीना वाले ने बहुत सही ये बंडल बनाया है। तो आप सभी को ये बंडल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी गाइस यहां पर गाइस लीक्स निकल कर सामने आ रही, यहां पर आप सभी को एक न्यू तरीके का स्कार्फ देखने को मिलने वाला है। गाइस यहां पर गरीना वाले स्कार्फ जो भी लाते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। और यहां पर इस बार एक और नया स्कार्फ की लीक्स निकल कर सामने आ रही है। तो यहां पर ये जो स्कार्फ है गाइस, किसी इवेंट के द्वारा आपको देखने को मिल सकता है, या तो आपको यहां पर दोनों इवेंट में देखने को मिल सकता है, या फिर आपको न्यू ईयर इवेंट पे आपको फ्री का एक स्कार्फ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक फ्री फायर में यार एक भी बार ऐसा इवेंट नहीं आया जिसमें आप सभी को स्कार्फ मिला हो। तो यहां पर लीक्स निकल कर सामने आ रही है, ये जो न्यू स्कार्फ आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, ये स्कार्फ आप सभी को न्यू ईयर इवेंट पे या क्रिसमस इवेंट पे फ्री में देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरा अनुमान है, यहां पर ये क्रिसमस इवेंट पे आपको देखने को मिल सकता है। इस स्कार्फ की खासियत देखो गाइस, यहां पर इसके जो मुंह है, मतलब स्कार्फ के ऊपर जो फेस या होट बना हुआ है, उस पर गाइस दांत लग रहे, वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत सही लगा है। और स्कार्फ भी बहुत सही है। तो आप सभी को ये स्कार्फ कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस आप सभी को साथ के साथ बता दूं, यहां पर अभी तक स्टोर की सेक्शन में कोई भी स्कार्फ अवेलेबल नहीं कराया है। तो यहां पर इस बार के OB25 का जो अपडेट आने वाला है, जो कि 7 तारीख को आपको गेम के अंदर अवेलेबल देखने वाला है, इसमें आपको स्टोर के सेक्शन में स्कार्फ देखने को मिल सकता है। मतलब आपको यहां पर स्टाफ क्लेम करने को मिल सकता है, आप यहां पर परचेस कर सकते हो स्कार्फ को। अभी गाइस यहां पर बात कर लेते हैं, गेम के अंदर आपको न्यू तरीके के बाल देखने को मिलेंगे, जो कि आपको OB25 के अपडेट में देखने को मिल सकते हैं। अभी ये बाल कैसे होंगे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, किस तरीके के इन बालों की लुकिंग है। तो यहां पर गाइस जो बाल है, बिल्कुल यार बहुत ज़्यादा गजब होने वाले, बिल्कुल तगड़े होने वाले, आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो बाल है गाइस यार पर्पल ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन में, और यार मतलब थोड़ा बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे तो। और साथ में यार ये जो बाल है, मुझे इसलिए अच्छे लग रहे क्योंकि गाइस अगर इसको पहनते हो ना, तो अलग ही लुकिंग, फंकी लुकिंग देगा। अभी गाइस आप सभी को बता दूं, जो क्लैश स्क्वाड रैंक रीसेट होने वाला है, वो 8 दिसंबर को हो जाएगा। और यहाँ पर आपको P90 की स्क्रीन फ्री में मिलेगी, जो कि गोल्डन P90 होगी। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर इस बार यार मतलब रैंक सीजन जब रीसेट होगा, तो यहां पर आप सभी को न्यू बैनर देखने को मिलेगा, न्यू ग्रैंड मास्टर का लोगो और आइकन देखने को मिलेगा। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखी लगी है, क्योंकि गाइस ये जो ग्रैंड मास्टर का लोगो यार होता क्या था ना गाइस, जो ग्रैंड मास्टर की जो स्किन थी, मतलब जो कलर था और गोल्ड का कलर था, बिल्कुल सेम था। तो यहां पर चेंज करके यहां पर इसको अलग कलर दे दिया गया है। अभी आप सभी को बता दूं एक और चीज गाइस, यहां पर इस बार की जो अपडेट में, यहां पर एमुलेटर प्लेयर जितने भी होंगे ना गाइस, इन लोगों को यार मतलब यार पहले क्या होता था ना गाइस, एमुलेटर प्लेयर फ्री फायर की मोबाइल प्लेयर की लॉबी में भी आ जाते थे, लेकिन यहां पर चेंजेस किया जाएगा। और यहां पर अब से गाइस एमुलेटर वर्सेस एमुलेटर होगा, ना कि मोबाइल प्लेयर। तो इससे यहां पर गेम प्ले जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा सभी बंदों का, जो मतलब एमुलेटर प्लेयर्स, मतलब जो आराम से मोबाइल
प्लेयर को मार लेते थे ना, उनके लिए थोड़ा भारी काम हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर आप सभी को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर M4 Raven का जो डैमेज, रेट ऑफ फायर और इफेक्टिव रेंज है उसको इंक्रीज कर दिया गया, और यहाँ पर जो मैक्स रिकॉइल है उसको यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया है। तो इससे जो M4 Raven की जो पावर है वो यार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यार पहले यार अभी मतलब कुछ समय से यार मतलब M4 Raven को कोई पूछ ही नहीं रहा था, मतलब इतना कम डैमेज दे रहा था ना गाइस, क्या ही बताऊं। लेकिन यहाँ पर डैमेज चेंज कर दिया जाएगा, रेट ऑफ फायर चेंज कर दिया जाएगा, जिससे कि यार यहाँ पर M4 Raven बीस्ट बन सकती है। और यहाँ पर गाइस साथ में यहाँ पर एक और गन का जो डैमेज रेंज है उसको चेंज किया जा रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी P90 जो गन है उसका भी डैमेज रेंज में छेड़छाड़ की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर P90 का जो डैमेज है उसको बढ़ा दिया गया है और रिकॉल को कम कर दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर दोनों ही चीज़ भयंकर हो गई है। आप तो रिकॉल वैसे भी सही कर सकते हो अगर आप यहाँ पर कोई एबिलिटी यूज़ करते हो कैरेक्टर की, तो रिकॉल तो वैसे भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गाइस P90 का डैमेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बेनिफिट मिल सकता है शॉर्ट रेंज में, साथ में आप लॉन्ग रेंज में भी इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, मतलब मिड रेंज में। लॉन्ग रेंज में यार यूज़ नहीं होता है, मिड रेंज तक यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही ओपी चीज़ है गाइस, आप सभी को बता दूँ। यहाँ पर फ्री फायर गेम में अपग्रेडेबल स्किन आने वाली, ये तो आप सभी को पता होगा OB25 के अपडेट के बाद। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लीक्स आ रही है, यहाँ पर MP40 की लीक्स आ रही है कि यहाँ पर अपग्रेडेबल स्किन में आपको MP40 की स्किन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर गाइस कौन सी असली है कौन सी फेक है ये पहले बताए। तो गाइस यहाँ पर बहुत से बंदे सोचते रहते हैं कि भाई ये वाली अपग्रेडेबल स्किन आएगी, ये वाली अपग्रेडेबल स्किन आएगी, लेकिन आता तो कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पर OB25 का जो अपडेट है वो 8 दिसंबर को होगा, और यहाँ पर अपग्रेडेबल स्किन आपको उसके नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक या दो स्किन ही आएगी, यहाँ पर 3-4 स्क्रीन नहीं आने वाली है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इस बार जो दो अपग्रेडेबल स्किन आने वाली वो है MP40 और स्कारल की। लेकिन यहाँ पर स्कारल में एक यार मतलब फेक लीक्स निकल कर सामने आ रही है, जो कि बहुत बंदे इसको रूमर बना के फैला रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं कौन सी MP40 आने वाली है। तो आपने जो पहले स्क्रीन पे देखा वो अपग्रेडेबल स्किन आ सकती है, लेकिन ये जो स्कार की स्किन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना गाइस, ये फेक स्किन है। मैं आप सभी को बता दूं ऐसी स्किन नहीं आएगी, ये सिर्फ यार मतलब यार किसी ने बहुत तगड़े से बहुत ध्यान से इसको एडिट किया है और बहुत अच्छे से इसका कमाल दिखाया है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये वाली स्किन जो है नहीं आने वाली है। ये कितना भी आप सोच लो ना गाइस, जो भी लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि ये वाली आने वाली है, ये नहीं आएगा। आप लिख के ले लो गाइस, उनके चैनल के नाम भी नोट कर लो। तो गाइस अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको स्कार में आपको कौन सी स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि बाहर के सर्वर से असली में लीक्स निकल कर सामने आई है। आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर जो इसका जो स्कार था ना, जो आपने पीछे वाला शार्क वाला देखा है, उसका अगर आप ऑरा देखोगे ना तो ब्लू कलर में निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लीक्स असली में निकल कर आई है ना वो गाइस रेड कलर में आप सभी देख सकते हो। ये है गाइस, देखो गाइस रेड कलर का ऑरा है, आप सभी देख सकते हो। तो ये वाला स्किन गाइस फाइनली यहाँ पर बाहर के सर्वर से लीक निकल कर सामने आ रही, ये वाली स्किन आएगी गाइस। जो भी बंदे सोच रहे हैं ना कि भाई कोई और से आने वाली, तो यार नहीं मिलने वाला है, आपको यही स्किन देखने को मिलेगी जो कि यार इस बार के एबिलिटी में आने वाला है। तो इसका गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी को डैमेज रेंज इंक्रीज देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको मैगजीन है उसको कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की स्किन आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना गाइस, एक स्किन आपको फ्री मिलेगी, आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपको एक स्किन गरीना वाला फ्री में दे सकते हैं, और एक आपको यहाँ पर अपग्रेड करके लेना पड़ेगा। तो यार अपग्रेड करने में तो भाई यार मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पैसा लगता है, लेकिन जो फ्री में मिल जाएगा तो आपका काम हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली स्किन आएगी। और गाइस लेवल 1, 2, 3, 4 पे क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। लेवल 1 पे इसके थोड़े से दांत होंगे, लेवल 2 पे गाइस इसके दांत बड़े हो जाएंगे, फिर पंख निकल जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको बहुत कुछ किल फीड और इनमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि मतलब किल फीड में चेंजेस मिलेगा। आप यहाँ पर कभी भी एनिमी को मारोगे ना, तो यहाँ पर आपको जो डैमेज है जब आपकी गोलियां निकलेगी, तो उसकी चिंगारी भी अलग तरीके से निकलेगी, लाल लाल कलर में। तो इस तरीके से ये गन यूज होने वाली है, तो बहुत ही सही होती है अपग्रेडेबल स्किन। और आपने भी वैसे UMP की स्किन यूज की होगी, तो आप सभी को ये स्किन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बंदे जरूर बताना। अभी गाइस यहाँ पर बाहर के सर्वर से लीक्स निकलकर सामने आ रही, यहाँ पर जो विंटरलैंड की जो स्किन है, जो कि दो स्किन है गाइस, AUG की स्किन और यहाँ पर M1887 की स्किन, दोनों स्किन गाइस बहुत ज्यादा गजब की है। आप सभी को तो पता ही है दोनों ही कतई जहर है, दोनों ही यूनिक है, लेकिन ये किस में आपको देखने को मिलेगा? बहुत से बंदे तो इसी में कंफ्यूज है यार किस में आएगा ये चीज। तो यहाँ पर गाइस कंफर्मेशन आ चुका है, यहाँ पर या तो आपको फेडरेड व्हील में देखने को मिलेगा, जो कि विंटरलैंड फेडरेड व्हील हो सकता है, या तो आपको यहाँ पर कोई नया इवेंट देखने को मिलेगा जो कि विंटर इवेंट होगा, जिसमें आपको AUG और M1887 की स्किन देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्किन बहुत ज़्यादा भयंकर है, यूनिक है, और वही यार यूज़ करने में तो कतई जहर लगने वाला है। मैंने बाहर के सर्वर में यूज़ किया गाइस, बहुत अच्छी लगी है, और दोनों स्किन गाइस बहुत सही है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर आप सभी को ये दोनों स्किन देखने को मिलेगी, जिसका रेंज, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज
इंक्रीज है M187 में और EUG में भी यार रेट ऑफ फायर इंक्रीज किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इवेंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको 90 से 100 डायमंड वेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ये स्किन मिल जाएगी गाइस, बहुत ही ओपी है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से रिवॉर्ड इस इवेंट में आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्या इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे आइटम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लूट क्रेट से, ग्रेनेड की स्किन से, यहाँ पर आपको और कॉस्ट्यूम्स मिल सकते हैं और यहाँ पर ओपी आइटम देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको पूरा दिखाया था क्या क्या आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको फेल्को पैड, बैकपैक, टोकन्स और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये टोकन क्या काम आएंगे मुझे अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए मेरे भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे भाई आप सभी गिव में कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको 500 डायमंड गिव अवे लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक कर लोगे आप हमारे सेकंड चैनल पर आ जाओगे, उसको आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। बस इतनी सी स्टेप्स है गाइस और आप गिव में पार्टिसिपेट हो जाओगे और गाइस वहां पर हम कल से लाइव भी करने वाले हैं। जल्दी गाइस आप सभी जाओ और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और साथ में गाइस यहां पर गाइस बहुत सिंपल सी स्टेप से आप सभी यहां पर आपके आईडी में रेयर आइटम कैसे निकाल सकते हो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर हम हफ्ते में गाइस एक या दो आईडी लेने वाले हैं और यार यहां पर वीडियो भी बनाएंगे और यहां पर उनके आईडी में सारे रेयर आइटम निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए गाइस कुछ भी नहीं करना है, आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां पर फॉलो कर लेना। जैसे आप फॉलो कर लोगे ना गाइस बहुत सिंपल सी स्टेप से फॉलो करना है और वहां पर आपको वीडियो का फेवरेट पार्ट लिख देना है। जैसे आप ये कर लोगे गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम पे गिव अवे की पार्टिसिपेट हो जाओगे और आपकी आईडी हम सेलेक्ट करेंगे गाइस। तो यार जल्दी जाओ फटाफट से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि जल्दी हम सभी की आईडी मतलब बहुत सारे बंदों की आईडी लेंगे और उसमें रेयर आइटम निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो पसंद है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लो गाइस। तो बाय फ्रेंड्स।